Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आपके सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है नितेश शर्मा जी ने और ये लिखते हैं, सर एक बहुत जरूरी सवाल है, अगर कुंडली में एक भी ग्रह अपनी स्वराशि का ना हो, अपने ग्रहों में ना हो, सारे ग्रह अलग राशियों में बैठे हों, तब क्या रिजल्ट होगा? क्या आई होप मुझे इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो ये सवाल भेजा था हमें नितेश शर्मा जी ने और ये पूछते हैं कि अगर कोई ग्रह अपनी राशि में नहीं है और अपनी राशि से किसी दूसरी राशि में जाके बैठा हुआ है, आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है और वो दूसरी राशि में जाके बैठा है, चाहे वो अपने एग्जल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो अपनी राशि में हो, दूसरी राशि में हो या किसी फ्रेंडली साइन में बैठा हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें ऐसे देखना चाहिए कि ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। अगर उस राशि का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड है, अपने एग्जल्टेशन में है, राहु शनि केतु से बचा हुआ है या रेट्रोग्रेशन में नहीं है, कंबस नहीं है, तो जो भी ग्रह जिस राशि में जाके बैठे हैं उस राशि से संबंधित या उस हाउस से संबंधित चीजों का बेनिफिट आपको मिलता है और जब उसकी दशा चलती है तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यानी ग्रह जिस राशि में जाके बैठा हुआ है उस राशि के लॉर्ड की जब दशा चलती है तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है, और जो ग्रह वहां पर जाके बैठा हुआ है अगर उसकी दशा चल रही है साथ में राशि के लॉर्ड की भी दशा चल रही है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है और कई बार आपको लॉस भी मिलता है। तो इसके लिए आपको राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है, राशि का लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है और जहां भी वो बैठा हुआ है कहीं वो अपने रेट्रोगेशन में तो नहीं है, कहीं कंबस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहु या शनि या केतु का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, या राहु शनि की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है तो चीजें थोड़ी बहुत डिले हो जाती हैं। और साथ साथ में ये भी देखना है कि मून चार्ट से कितने अवे जाके वो राशि का लॉर्ड बैठा हुआ है और जो प्लेनेट वहां पर बैठा हुआ है वो मून से कितना अवे है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर मून से उसका एंगल बहुत अच्छा होता है, जैसे सेकंड अवे है, फोर्थ अवे है या नाइन्थ अवे है या इलेवेंथ अवे है, तो जब उसकी दशा चलती है आपको गेन होता है, लेकिन उसके साथ साथ राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है कि राशि का लॉर्ड जो है वो मून से कितने अवे जाके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है और अगर वो दूसरी राशि में जाके बैठा हुआ है तो उस राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है, तो उससे आप रिजल्ट को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसा योग बहुत सारे लोगों के चार्ट में बनता है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी जो ग्रह दशा चल रही है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, तो उसके लिए आपको राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लेनेट अपनी राशि में नहीं बैठता है और दूसरी राशि में जाके बैठता है या फ्रेंडली साइन में बैठता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में या राशि के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।